नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 8 जनवरी 2022 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में, जहां पर एक तरफ क्रिकेट का महासंग्राम यानी वीवो आईपीएल 2022 को भारत में ही होस्ट करने के लिए बीसीसीआई ने अपने प्लान बी को रिवील कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ वेस्टइंडीज टूर ऑफ इंडिया 2022 पर भी अब संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके अलावा भी यहां पर क्रिकेट से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों को वन बाय वन पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि यदि आप सभी लोग क्रिकेट से जुड़ा हर एक छोटा बड़ा अपडेट पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए अब हम बात करते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज को लेकर, जहां पर इस टेस्ट सीरीज का तीसरा व अंतिम टेस्ट महामुकाबला में 11 जनवरी से 15 जनवरी के बीच केप टाउन के मैदान पर भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से देखने को मिलने वाला है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार ये मैच होने वाला है। इस टेस्ट सीरीज के 2 टेस्ट मुकाबले ऑलरेडी समाप्त हो चुके हैं, जहां पर पहले टेस्ट महामुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की थी, दूसरे टेस्ट महामुकाबले में अफ्रीकन टीम ने यहां पर कमबैक कर लिया है और फिलहाल यह सीरीज 1-1 से लेवल यानी वही केप टाउन के मैदान पर जो हमें टेस्ट महामुकाबला देखने को मिलने वाला है, वही सीरीज का डिसाइडर महामुकाबला होने वाला है। जोन सी टीम इस महामुकाबले को जीत जाएगी उसी टीम के नाम यह शानदार सीरीज हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले की शुरुआत से पहले टीम इंडिया के रिगार्डिंग बड़े बड़े अपडेट्स यहां पर निकल कर आ रही है। पहला अपडेट यहां पर विराट कोहली को लेकर है। जी हां, विराट कोहली अपनी इंजरी से पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं और ऐसा कंफर्म हो चुका कि भारत और अफ्रीका के बीच होने वाले थर्ड टेस्ट महामुकाबले में भारत की प्लेइंग 11 में सेलेक्शन के लिए वो डेफिनेटली अवेलेबल रहने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अगर यहां पर विराट कोहली को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाता तो वही बाहर किसको किया जाएगा, क्योंकि हनुमा विहारी उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम के साथ जुड़े थे। हनुमा विहारी ने सेकंड इनिंग में शानदार बल्लेबाजी भी की थी। खैर, यहां पर आपके मुताबिक किसकी जगह पर विराट कोहली को भारत की प्लेइंग 11 में शामिल किया जाना चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की, तो यह अपडेट निकल कर आ रहा है वेदर फोरकास्टिंग को लेकर। जी हां, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए पहले और दूसरे दोनों टेस्ट महामुकाबलों के दौरान बारिश ने काफी ज्यादा परेशान किया, लेकिन तीसरे टेस्ट महामुकाबले की शुरुआत से पहले सभी भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, क्योंकि भाई जो केप टाउन की वेदर फोरकास्टिंग रिपोर्ट्स निकल कर आई है उनके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि यहां पर पांचों दिन जो मौसम है बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर रहेगा, बारिश के यहां पर किसी भी टाइप के कोई भी आसार नहीं बताए जा रहे, जिसके चलते भाई यह कंफर्म हो चुका कि डेफिनेटली हमें इस सीरीज का कोई ना कोई रिजल्ट जरूर देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है क्रिकेट का महासंग्राम यानी वीवो आईपीएल 2022 के रिगार्डिंग, जहां पर बीसीसीआई फिलहाल पूरी तरह से जोरों शोरों से आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शंस की तैयारियों में जुटी है। और अभी से कुछ टाइम पहले बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने आईपीएल 2022 को लेकर काफी सारे बड़े बड़े खुलासे किए थे, जहां पर भाई सौरव गांगुली ने बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली ऐसा बोला था कि हमें भारत में ही आईपीएल 2022 देखने को मिलेगा, जहां पर 10 अलग अलग जगहों पर, मतलब जो 10 की 10 टीमों को अपना अपना होम ग्राउंड मिलने वाले, यानी भाई 10 स्टेडियम्स में आईपीएल 2022 के मैचेज होने वाले थे। लेकिन जिस तरह से भारत में COVID-19 के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके चलते यहां पर बीसीसीआई ने आईपीएल 2022 के लिए अपना प्लान बी भी तैयार कर लिया है। प्लान बी को यहां पर रिवील भी किया गया है। जी हां, मुंबई के 3 स्टेडियम्स में हमें आईपीएल 2022 के मैचेस देखने को मिलेंगे। अगर यहां पर 10 अलग अलग स्टेडियम में मैचों को होस्ट कराना बीसीसीआई के लिए मुसीबत बन जाता है, फिर भारत सरकार किसी भी टाइप की रिस्ट्रिक्शंस यहां पर लगा देती, तो भाई प्लान बी भी यहां पर बीसीसीआई ने अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर भी आईपीएल 2022 के रिगार्डिंग है और यह खबर निकल कर आ रही है आईपीएल 2022 की स्टार्टिंग डेट को लेकर। जी हां, पहले ऐसी रिपोर्ट्स थी गई फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022 में इस शानदार टूर्नामेंट का आयोजन होने वाला है, लेकिन भाई कल यहां पर आईपीएल 2022 की स्टार्टिंग डेट के रिगार्डिंग बहुत ही बड़ा अपडेट सभी आईपीएल फैंस के लिए निकल कर आया, जहां पर भाई ऐसा बताया जा रहा है कि 4th वीक ऑफ मार्च 2022 में आईपीएल 2022 की शुरुआत होने वाली है। डबल हेडर्स
को कम करने के लिए यहां पर बीसीसीआई डेज को थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंड करने वाली है। और जो फिलहाल टेंटेटिव डेट है वो कुछ ऐसी कि भाई 22 मार्च या फिर 24 मार्च से आईपीएल 2022 के सीजन की शुरुआत हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है वेस्टइंडीज टूर ऑफ इंडिया 2022 को लेकर। जहां फिलहाल भारत की टीम अफ्रीका के दौरे पर, इस दौरे के जस्ट बाद वेस्टइंडीज की टीम भारत के दौरे पर आने वाली है, जहां पर भारत और वेस्टइंडीज आपस में 6 मैचों की बहुत ही शानदार सीरीज खेलने वाले हैं, जिस दौरान 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज होने वाली है। लेकिन दोस्तों इस सीरीज की शुरुआत से पहले बहुत ही बुरी खबर निकल कर आ रही है। आप सभी को बताया कि भारत में जिस तरह से लगातार COVID-19 के केसेस बढ़ रहे, उसको देखते हुए ऐसा बताया जा रहा है कि वेस्टइंडीज टूर ऑफ इंडिया 2022 को बीसीसीआई और वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड यहां पर पोस्टपोन कर सकता है। हालांकि अगर यहां पर भारत में यह सीरीज होती है तो यह लगभग कंफर्म है कि भाई क्लोज डोर स्टेडियम्स में हमें मैचेस देखने को मिलेंगे। लेकिन आप सभी को पता है कि जिस तरह से भारत में लगातार कोरोना फैल रहा है, उसके लिए अब यहां पर भाई बीसीसीआई को वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड के साथ भी अच्छी तरह से कंसल्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है महेंद्र सिंह धोनी को लेकर। जी हां, महेंद्र सिंह धोनी ने पाकिस्तान टीम के बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी हैरिस रौफ को एक बहुत ही शानदार गिफ्ट दिया है, जो उन्होंने भाई खुद अपने इंस्टा हैंडल्स पर, अपने यहां पर सोशल मीडिया हैंडल्स पर बताया कि महेंद्र सिंह धोनी ने उनको खुद की साइन की हुई चेन्नई सुपर किंग की जर्सी उनको गिफ्ट में दी। और भाई कहीं ना कहीं हैरिस रौफ को यह गिफ्ट काफी ज्यादा पसंद आया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है T20 फॉर्मेट के नए रूल को लेकर। जहां कल से यहां पर ICC ने T20 फॉर्मेट के लिए एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया, जहां पर आप सभी को बताया कि भाई स्लो ओवर रेट यहां पर काफी टीमों की तरफ से देखने को मिलता है। लेकिन स्लो ओवर रेट के बराबर यहां पर टीम पर पेनल्टी लगने वाली है। जी हां, लेकिन ये जो पेनल्टी होने वाली है रन्स की पेनल्टी नहीं होगी, यहां पर जो फील्डिंग में पेनल्टी लगने वाली है। जी आप सभी को बताया कि पावर प्ले के बाद हमें बाहर सर्कल से बाहर कुल 5 खिलाड़ी देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर स्लो ओवर रेट रहे तो वैसे में यहां पर एक और खिलाड़ी को सर्कल के अंदर रखना पड़ेगा, केवल 4 खिलाड़ी ही बाहर रह पाएंगे, जिससे भाई यहां पर फील्डिंग टीम को काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों ये आज 8 जनवरी 2022 की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें। इन सभी खबरों पर आपके क्या ओपिनियन, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।